गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश में चैप्टर नंबर सेकेंड कंप्लीट किया था। आज से हम चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे रीड करना, ठीक है। क्या है इसका नेम? इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। अब जो फूड है खाना, उसकी इम्पोर्टेंस मतलब वो क्यों, उसका महत्व बताएंगे, ठीक है। इसमें देखिए, रोहन्स मॉम कॉल्ड हर सन फॉर डिनर। अब जो रोहन की मॉम से वो बुलाती है किसको, उनके बेटे को डिनर के लिए, खाने के लिए। बट रोहन डिनिड टू टेक द डिनर। बट रोहन खाने से इनकार कर देता है, डिनर से वो मना कर देता है। मॉम सेड, व्हाई डोंट यू बी अ गुड बॉय एंड ईट यूअर फूड लाइक यूअर यंगर ब्रदर हु ईट्स एवरीथिंग। अब उसकी रोहन की मॉम बोलती है, रोहन की मम्मी बोलती है कि तुम अच्छे बच्चे को तुम जानते हो जो कि क्या, जो सब कुछ खा लेता है, जैसे तुम्हारा यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई। अब वो रोहन का छोटा भाई है, वो सब कुछ खा लेता है, ऐसे कुछ नाटक नहीं करता है कि मुझे ये नहीं खाना है, ठीक है। बट आई एम नॉट फीलिंग हंग्री सैड रोहन। बट रोहन क्या बोलता है कि मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। ओके यू वॉन्ट बी हंग्री फॉर स्वीट्स ऑल्सो सैड रोहन्स मॉम। अब जो रोहन की मॉम है वो बोलते हैं कि जब तुम्हें, और ठीक है जब तुम्हें भूख लगेगी जब तुम खा लेना। शी वॉकड ओवर द काउंटर टॉप एंड ब्राउड द माउथ वाटरिंग चॉकलेट केक। अब क्या करती है जो रोहन की मॉम है, वो ऐसा बोल के चली जाती है, वो जो फूड है वो काउंटर टॉप पर रख देती है और जो चॉकलेट केक है वो टेबल पर आगे रख देती है। ओके हु वॉन्ट्स अ पीस ऑफ चॉकलेट केक। ठीक है, मैं चॉकलेट का पीस खा सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। बिफोर एनी वन एल्स एट द टेबल कुड उत्तर अ सिंगल वर्ड, रोहन ब्लर्टर्ड आउट मी मी मी। अब वहाँ टेबल से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही, मतलब एक सिंगल वर्ड वो ही बोलता है कि मी मी मी, जैसे कोई वो बोल रहा था कि मुझे ही खाना है ये। रोहन्स मॉम सेड। अब रोहन की मॉम बोलती है, रोहन यू जस्ट सेड यू आर नॉट हंग्री, अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, सो यू कैन नॉट हैव दिस चॉकलेट केक, इसलिए तुम ये चॉकलेट केक नहीं खा सकते अब। आई गॉट हंग्री ऑल ऑफ अ सडन सेड रोहन। अब रोहन क्या बोलता है कि मुझे अचानक ही भूख लग गई है। गुड आई बेट यू आर रेडी टू ईट यूर पीस एंड एप्पल्स देन। अच्छा, तुम्हें एक शर्त लगानी होगी, उससे पहले तुम्हें जो एप्पल्स और पीस है वो तुम्हें खाने पड़ेंगे, उसके बाद चॉकलेट केक मिलेगा। आई एम नॉट हंग्री फॉर देम, मुझे इसके लिए भूख नहीं लगी है। आई विल जस्ट हैव अ पीस ऑफ केक प्लीज सेड रोहन। अब रोहन क्या बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तो चॉकलेट पीस ही, जो चॉकलेट का पीस है जो केक वो ही मुझे खाना है। रोहन एवरीथिंग विल नॉट गो टू अकॉर्डिंग टू यू। अब रोहन बोलता है कि मैं अब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं कर सकता, ऐसा रोहन बोलता है। टू गेट अ पीस ऑफ केक यू विल हैव टू ईट यूअर डिनर फर्स्ट, मुझे सबसे पहले डिनर में केक का पीस ही खाना है, ठीक है। बट आई एम नॉट फीलिंग हंग्री इस, और अगर मैं ये नहीं खाऊंगी तो मुझे भूख नहीं लगेगी, फिर मैं दूसरी चीज़ नहीं खाऊंगा। रोहन्स डैड सेड। अब रोहन के डैड बोलते हैं, वेल आई थिंक यू शुड नॉट ईट द चॉकलेट केक, तुम जानते हो तुम्हें ये चॉकलेट का केक नहीं खाना चाहिए। यू मे लीव द टेबल, तुम अभी टेबल से उठो। एंड रोहन ब्रश यूअर टीथ एंड गो टू बेड यंग मैन, तुम सबसे पहले अपने टीथ को ब्रश करो, जाओ और ब्रश करके आओ, उसके बाद खाना। यस डैड आंसर्ड रोहन। अब रोहन बोलता है, हाँ डैड। यस रोहन स्टूड अप फ्रॉम द टेबल। अब रोहन टेबल से खड़ा हो जाता है। हिज ब्रदर प्रिटेंड टू बी अ फ्लाइंग इन एरोप्लेन। अब जो यंगर ब्रदर था मतलब जो रोहन का छोटा भाई था, उसके नाटक फिर शुरू हो जाते हैं, वो एरोप्लेन ऊपर उड़ाता है हवा में, जो कागज का बनता है वो। आफ्टर अ बिट ऑफ चॉकलेट केक ही मेड अ सेफ लैंडिंग इन हिज ब्रदर रूम। अब उसके बाद क्या है, जो चॉकलेट केक है वो ले जाके उसके ब्रदर के रूम में रख देता है, सेफ मतलब सुरक्षित। रोहन रैन टू हिम एज फास्ट एज ही कुड, ये काम वो फास्ट कर देता है जाके जल्दी से। बट हिज यंगर ब्रदर रैन आउट ऑफ द रूम, बट लेकिन जब भी क्या उसका छोटा भाई है रोहन का, वो वहाँ पर आ जाता है। बिंग सेंट टू बेड विदाउट हैविंग डिनर,
वॉज टच इनफ, तुम ये टच नहीं कर सकते डिनर को, बट बिंग टीज्ड बाई हिज यंगर ब्रदर वॉज इवन मोर इरिटेटिंग. अब क्या होता है, लेकिन जो वो छोटा भाई है जो रोहन का, वो चिढ़ जाता है इसमें. थ्रू ही वेंट टू हिज बेड टू स्लीप, और वो जाके बेड पे सो जाता है, सोने के लिए चला जाता है. ही फाउंड इट हार्ड टू फॉल एस्लीप, और वह सो जाता है दैट नाइट, रात में. हिज स्टमक रोड लाइक एन एंग्री लायन एंड ही फेल डजी. अब क्या होता है, उसका पेट भूख के मारे पेट उसका दर्द करता है, और फिर वो बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाता है उसे. आई एम सो हंग्री, रोहन सेड अलाउड. अब रोहन जोर से चिल्लाता है, जोर से बोलता है वो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है. रोहन फेल्ट वीक, अब रोहन कैसा फील करता है, कमज़ोर महसूस करता है. अब वो खाना नहीं खाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है रोहन. द रूम सेम टू बी स्पिनिंग, फिर वो रूम से बाहर आते हैं. ही वॉक्ड टू द किचन टू फाइंड समथिंग टू ईट, अब वो आता है किचन की तरफ और कुछ खाने के लिए ढूंढता है. When Rohan opened the refrigerator door, he was shocked to see a crocodile swimming in a jar of pickle. अब क्या करता है रोहन, जैसे ही वो refrigerator जो फ्रिज है ओपन करता है, तो उस बर्नी में क्या, जार में जो बर्नी रहती है उसमें क्या रखा रहता है, क्रोकोडाइल घूमता है. रोहन शट द refrigerator door with force and cried out. अब रोहन झट से वो फ्रिज का जो डोर है वो बंद कर देता है. वो चिल्लाता है हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, और वो चिल्लाता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. ठीक है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो रेफ्रिजरेटर खोलता है और उसमें एक वो बन जार उठाता है, बट उसमें क्या रहता है, क्रोकोडाइल रहता है. ठीक है, तो जिससे वो चिल्ला देता है और फ्रिज रेफ्रिजरेटर वो बंद कर देता है. आज की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और आपके इंग्लिश में दो चैप्टर हो गए हैं, तो ये आपको इसकी फेयर कॉपी चेक करवाने स्कूल में आना है.